फिल्म की शुरुआत में हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं, जिनके नाम जिप और जैप होते हैं। वो एक खिलौनों की दुकान के अंदर चोरी से घुसकर खेल रहे होते हैं, पर जब वो लोग एक क्रिसमस ट्री के पास रखे गिफ्ट्स को खोलने लगते हैं ताकि उन्हें अपने पसंद की खिलौने मिल जाए, कि तभी जैप को एक बॉक्स में ढेर सारे पटाखे मिलते हैं, जिनमें से वो फुलझड़ियों को जलाकर वहीं खेलने लगता है, जिस पर जिप उसे फेंक कर बाकी के गिफ्ट्स खोलने के लिए कहता है, जो जैप ऐसा ही करता है और फुलझड़ी फेंक देता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है और वहां रखा सारा सामान जल जाता है। अगले सीन में हम एक जहाज में जिप और जैप को उनके माता पिता के साथ देखते हैं, जहां हमें उनके बातों से पता चलता है कि जिप और जैप ने पहले भी इस तरह की कई शरारतें की हैं, जिसके लिए उन्हें कई तरह की सजा भी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चों की शरारत बढ़ती ही जा रही है। तभी फिर उनके पिता उनसे कहते हैं कि हम पहुंचने ही वाले हैं, जिस पर दोनों बच्चे सवाल करते हैं कि कहां, तो उनकी माँ बताती कि तुम्हारे पिता के अगले नॉवल की कहानी किसी को पसंद आ गई है और एक पब्लिशर उसको फ्री में छपाने को भी तैयार है, लेकिन वो पब्लिशर चाहते हैं कि वो सब एक साथ आकर उस नॉवल के कवर के लिए एक फोटो खिंचवाएं, इसलिए वो लोग इसी आइलैंड पर आए हैं। आगे हम देख पाते हैं कि जिप और जैप के पिता तूफान की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और अब उन लोगों को उस आइलैंड के बीचों बीच एक महल जैसा घर दिखाई देता है, जिसको उसके पिता एक ऑर्फनेज समझ कर मदद मांगने जाते हैं, क्योंकि उसके गेट पर चाइल्डहुड होम लिखा था। पर तभी जिप को उस घर की खिड़की पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है और तब तक उसके पिता आकर बताते हैं कि ये लोग हमको यहाँ रात बिताने के लिए शरण देने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद वो लोग उस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ उन्हें जेमी नाम का एक बटलर मिलता है जिसका एक हाथ नहीं होता और उसकी जगह एक हुक टाइप का कुछ लगा होता है। वो इन लोगों से वहीं इंतजार करने को कहता है और बताता है कि जल्दी इस घर की मालकिन पैम आपका स्वागत करने के लिए आएंगी। इसी बीच जैप एक पेंटिंग को देखकर सोचने लगता है कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं। फिर तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं कि अगर तुम किताबें पढ़ते तो इन्हें पहचान पाते। इसमें कैप्टन नीमो, डॉक्टर जैकल, मिस्टर हाइड, एलन क्वांटमिन, पीटर पैन, शर्लॉक होम्स और इनविजिबल मैन है, और वो जो पेंटिंग अलग से टंगी हुई है उसमें कैप्टन हुक है, और ये सब बहुत ही जाने माने फिक्शनल कैरेक्टर्स है और इन पर कई कहानियां भी बनी। फिर तभी वहाँ मिस पैम आकर अपना परिचय देती है, जिसके बाद सभी डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें अपने यहाँ रह रहे बच्चों से मिलवाती है और सिस्टर एनरिक्यूटा और मालकिन सोलोमन से भी उनका परिचय करवाती है। इसके बाद पैम बच्चों के डैड के पूछने पर बताती है कि उनके यहाँ जो बच्चे हैं वे अपने माता पिता और परिवार से बहुत दुखी रह चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें अपने मन मुताबिक कुछ भी करने की छूट है। और ये सब सुनकर जैप अपनी किस्मत को कोसता है कि वो लोग कितने दुर्भाग्य है, काश वो यहाँ रह पाते। जिसके बाद जिप पैम से ऊपर खड़ी लड़की के बारे में पूछता है, जिसका नाम पीपी होता है, जिस पर पैम बताती है कि वो थोड़ा शर्मीली है इसलिए यहाँ हमारे साथ खाना खाने नहीं आई। आगे पैम अपने बारे में बताती है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसने यहाँ बच्चों के साथ रहने का सोचा और उनको अपने दिल की करने दिया। अब अगली सीन में हम जिमी को देखते हैं, जो जिप और जैप और उनके माता पिता को उनका कमरा दिखाता है। अब रात में जब जिप और जैप लेटे हुए होते हैं कि तभी उनकी खिड़की से पीपी उनके कमरे में आती है और जिप और जैप उसकी आवाज से एकदम से उठ जाते हैं, जिसके बाद अब पीपी अंदर चली जाती है। अब जिप और जैप भी उसके पीछे जाते हैं, जहां उन्हें एक कंपास मिलता है और तभी एक दरवाजा जिप और जैप को खोलते हुए नजर आता है और पीछे से पीपी उन्हें शोर मचाने से मना करती है, क्योंकि उसे एक अदृश्य भूत को पकड़ना है। पर तभी दरवाजे से कोई अंदर आ जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी जिप को छींक आ जाती है जिससे वो भूत तुरंत वहां से भाग जाता है, जिस पर पीपी एकदम गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी वजह से आज रात वो उसे नहीं पकड़ पाएगी। इसके बाद जिप के उसके नाम पूछने पर वो उसे अपना नाम पीपी बताती है और उसी खिड़की से वापस चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह मिस पैम जिप और जैप को कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं और कहती कि तुम्हारी शरारतों से तंग आकर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पर बहाने से छोड़कर चले गए, जिसके बाद दोनों बच्चे उनको हर जगह ढूंढने लगते हैं और बाहर उनकी कार ना पाकर वो भी मान लेते कि वो कहीं चले गए, जिस पर जैप एकदम गुस्सा होकर अंदर चला जाता है और जिप वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। पर तभी पैम आकर उसे समझाती है, जिसके बाद पैम उन्हें बाकी बच्चों से मिलवाती है जो उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और सिस्टर एंग्रीटा उन्हें कुछ सुनाने को कहती है, जिस पर जैप मना करता है, पर इसे एंग्रीटा गिटार को गुस्से से पटक कर तोड़ डालती है, जिसके बाद वो तुरंत ही नॉर्मल भी बिहेव करने लगती है और दूसरा गिटार निकाल लेती है।
पर अब जीप और जैप धीरे धीरे वक्त के साथ वहाँ के माहौल में घुल मिल जाते हैं और ये देखकर पैम बहुत खुश हो जाती है। अब आगे हम पैम को किसी अजीब से लिफ्ट से कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसने जीप और जैप के माता पिता को कैद करके रखा है और उन लोगों के पूछने पर वो उन्हें बताती है कि तुम्हारे जैसे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो अपने बच्चों को उनके मन की नहीं करने देते। वो आगे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी पब्लिशर ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया था, क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ मैं ही रहती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें एक मशीन में डाल देती है और जिमी से उन्हें 11 साल के बच्चे में बदलने को कहती है। और अब हम देख पाते हैं कि मशीन ऑन करने के बाद ऐसा ही होता है और अब जीप और जैप के माता पिता छोटे बच्चों में बदल जाते हैं और उन्हें अब अपने बारे में याद भी नहीं रहता, जिसके बाद पैम उन्हें अपने साथ ले जाकर सबसे मिलवाती है, जहाँ जीप और जैप भी होते हैं और उन्हें अपने नाम बताने को कहते हैं, जिस पर लड़की यानी कि उनकी माँ अपना नाम फ्लैकी बताती है और लड़का यानी कि उनका पिता अपना नाम मैकी बताता है। पैम उन्हें बताती है कि ये दोनों अब से यहीं रहेंगे, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि फ्लैकी और मैकी के साथ जीप और जैप को अपना कमरा शेयर करना पड़ता है। पर तभी उसी रात को पीपी फिर से एक बार उनके कमरे में आती है और फिर से उस अदृश्य भूत को पकड़ने जाती है और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं कि तभी बातों ही बातों में जीप और मैकी में लड़ाई हो जाती है और मैकी उस पर एक किताब फेंककर मारती है, जो किताब एक जगह हवा में रुककर नीचे गिर जाती है, यानी कि वहां पर वही अदृश्य भूत था और उसे उस किताब से चोट लग गई थी, इसलिए वो पीपी और बाकी सब पर किताब फेंककर मारने लगता है और एक किताब जीप को लग जाती है, जिसके बाद पीपी को छोड़कर सभी बच्चे बाहर भाग जाते हैं। वहीं इधर पीपी अकेले ही उस भूत को ढूंढ रही होती है, फिर उसे वहां रखा कंपास वहां से गायब दिखता है और अचानक से एक गोरिल्ला खिड़की से भागते हुए दिखता है, जिसे देखकर पीपी काफी गुस्सा हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जीप जैप फ्लिकी और मैकी भागते हुए जंगल पहुंच जाते हैं कि तभी उन्हें वहां वही गोरिल्ला दिखता है और फ्लैकी को छोड़कर बाकी सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो गोरिल्ला फ्लैकी की बातों को समझ रहा था कि तभी वहां सोलोमन और पैम आ जाते हैं और सोलोमन उस गोरिल्ला पर गोली चला देता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। अब पैम फ्लैकी को देखती है कि उसे उस गोरिल्ला ने कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया, जिस पर फ्लैकी बताती है कि वो काफी अच्छा था और मेरी बात भी समझ रहा था। इस पर पैम कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए उससे दूर रहो। इधर दूसरी तरफ जीप और जैप और मैकी सोलोमन के घर पर आते हैं, जहां से आपको अपना गुलेल मिलता है जिससे उसके पिता ने छीन लिया था, और आगे जाने पर उन्हें अपने माता पिता का लगेज और उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनके माता पिता उन्हें छोड़कर नहीं गए बल्कि उसके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं और पैम उनसे कुछ जरूर छिपा रही है, जिस बात का जीप और जैप मिलकर पता लगाने की सोचते हैं। अब अगली सुबह हम जीप और जैप मैकी और फ्लैकी को देखते हैं, जो कि पीपी से सारी बातें बताते हैं, इसलिए पीपी उनके साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। और अब ये सभी पांच बच्चे सबकी नजरों से बचकर निकलते हैं, लेकिन पीपी का पैर कहीं फंस जाता है जिसके कारण वो गिर जाती है, जिसके कारण वहाँ का सायरन बजने लगता है, जिससे सभी को पता लग जाता है, लेकिन पीपी उन सबको भागने को कहती है, जिसके बाद वहाँ सोलोमन के आने के कारण सभी बच्चे भाग जाते हैं और इस आइलैंड में इधर उधर भटकने के बाद वो एक जगह रुकते हैं। अब शाम ढलने की वजह से वो लोग एक जगह रुककर रात बिताने का मन बनाते हैं, पर अगली सुबह मैकी का फेर एक रस्सी में लगने के कारण वो लोग एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं, जहां से उनको वही गोरिल्ला आकर बचाता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है जो कि समुद्र के किनारे पर होता है। यहाँ अब हम देख पाते हैं कि वो गोरिल्ला एक राफ्ट बना रहा है जिससे वो यहाँ से निकलने की सोच रहा है। वहीं यहाँ जीप और जैप को सिस्टर एनरिकेटा के बारे में पता चल जाता है, जो कि कभी एक नन हुआ करती थी, लेकिन वो पागल खाने में थी और वो वहां से भागकर इस आइलैंड पर आ गई, और सोलोमन भी जेल से भागा हुआ एक अपराधी है। इसके बाद वो गोरिल्ला उन्हें पीटर पैन की पेंटिंग पे इशारे से अपने बारे में बताता है कि वो असल में डिटेक्टिव होलगार्डो है, जिसे पैम ने ऐसा बना दिया, और पैम खुद को पीटर पैम समझती है और वो इन सब कैरेक्टर्स का असली जिंदगी में कलेक्शन करना पसंद करती है। जिस पर जैप अब सवाल करता है कि फिर हम लोग क्या है और हमें उसने यहाँ क्यों रखा है, पर तब तक वहाँ पैम आ जाती है, जो कहती कि मैं पीटर पैन हूँ और तुम सब मेरे साथी हो। इधर सोलोमन उस गोरिल्ला को बेहोश कर देता है और वहाँ पैम जीप और जैप को इनविजिबल मैन से भी मिलवाती है। जीप और जैप अब पैम से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर पैम कहती है कि इस बारे में हम घर पहुंचकर विस्तार से बात करेंगे।
जाएंगे। अब अगले सीन में हम जिप और जैप को देखते हैं जो कि पैम से पूछते हैं कि उसने मैकी और फ्लेकी के साथ क्या किया और उनके माता पिता कहाँ हैं। जिस पर पैम कहती है कि उन्हें दोस्त और पेरेंट्स में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जिस पर वो जवाब देते हैं कि माता पिता के बिना हम अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते। पैम अब उनसे कहती है कि तुम उन माता पिता के पीछे परेशान हो जो तुम्हें क्रिसमस तक एंजॉय करना नहीं देना चाहते हैं। जिस पर जैप जवाब देता है कि वो हमारे माता पिता हैं और उनके लिए मैं ऐसे लाखों क्रिसमस छोड़ सकता हूँ। अब जैप का जवाब सुनकर पैम उन्हें उस मशीन के पास ले जाती है जिसके अंदर ही उसने उनके माता पिता को मैकी और फ्लैकी में बदल दिया था। जिप और जैप को अब वहाँ पर सच्चाई का पता चल जाता है कि मैकी और फ्लैकी ही उनके माता पिता है। फिर जैप पैम से पूछता है कि तुम अपने आप को पीटर पैम कैसे समझ सकती हो क्योंकि तुम तो एक लड़की हो और पीटर पैम कभी बड़ा भी नहीं होना चाहता था। जिस पर पैम कहती है कि मेरी भी इच्छा पीटर पैम जैसी है और अब देखते ही देखते वो एक छोटी बच्ची में बदल जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि पीपी ही थी और वो इनके साथ बस कुछ देर खेलने आती है ना कि उनका साथ देने। अब अगले सीन में हम जिमी को चार बच्चों के पास खाना लाते हुए देखते हैं जो कि जिप और जैप से पूछता है कि क्या तुम लोग सच में अपने माता पिता को याद करते हो। जिसका जिप हाँ में जवाब देता है और अब वो दोनों जिमी से यहाँ से निकलने की मदद मांगते हैं। जिस पर जिमी उन्हें कहानी सुनाता है कि बहुत साल पहले एक सुंदर आइलैंड हुआ करता था जहाँ पैमिला नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसके पिता को लोग कैप्टन कहकर बुलाया करते थे और उसकी माँ पैमिला को रोज एक किताब पढ़कर सुनाती थी जो कहती थी कि जिंदगी एक नॉवल की तरह है और तुम अपनी जिंदगी को कोई भी कैरेक्टर बनकर जी सकती हो। लेकिन एक दिन अचानक बीमारी की वजह से पैमिला की माँ ने इस दुनिया को छोड़ दिया जिनकी मौत से कैप्टन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा जिसके बाद उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी की हर कल्पना को हकीकत में बदलेगा फिर चाहे वो कुछ भी हो। वो अपनी बेटी के कहने पर बहुत सारी मशीन्स बनाता है और फिर एक दिन पैमिला को अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पिता को कैप्टन नीमो समझने लगी लेकिन उसे खुद का कैरेक्टर नहीं मिल रहा होता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे पीटर पैम पसंद आता है और वो अपने पिता से ऐसे मशीन बनाने को कहती है जिससे वो कभी बड़ी ना हो। जो कैप्टन वही कोशिश भी करते हैं लेकिन वो नाकामयाब रहे इसलिए अंत में उनकी बच्ची बड़ी हो गई जिसके बाद उसका प्यार नफरत में बदल गया। इसलिए फिर वो अपने पिता को कैप्टन नीमो नहीं बल्कि कैप्टन हुक मानने लगी इसलिए उसकी खुशी के लिए वो अपना एक हाथ काटकर एक हुक लगा लिया और फिर एक दिन वो ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जिससे उनकी बेटी फिर से अपने बचपन में लौट सके। वो मशीन तैयार करने के बाद उन्होंने इस आइलैंड के चारों तरफ एक शील्ड बनाई जिसके कारण कोई भी इस आइलैंड पर अपनी मर्जी से आ या जा नहीं सकता और इसी तरह से पैमिला खुद को पीटर पैम समझकर अपना नाम पैम रख ली और मैं आज भी उसके लिए कैप्टन हुकी हूँ। जिससे अब हमें पता चलता है कि जिमी ही पैम के पिता है और वो बच्चों को वहाँ से भागने के लिए सोलोमोन और सिस्टर एनरिकेटा से चाबी चुरा कर एक सबमरीन में यहाँ से निकलने को कहते हैं और अपने माता पिता को ठीक करने के लिए उन्हें एक स्नो स्पीयर को ढूंढ कर तोड़ना होगा। जो बच्चे मिलकर ऐसा ही करते हैं और अब एक लिफ्ट में उस चाबी को लगाते ही वो सबमरीन में बदल जाती है लेकिन अब वहाँ पीपी आकर उन्हें डुबो कर मारने की कोशिश करती है लेकिन जिप कंपास में एक बटन को गलती से दबा देता है जो कि उसने फ्लेकी को देने के लिए रखा था। बटन के दबाते ही वो लोग वापस पैम की लैब में टेलीपोर्ट हो जाते हैं मतलब कि ये कंपास एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी है और इसी तरह से वो फिर से बच्चे बन जाते हैं। इधर पैमिला उन्हें भागने की सजा के तौर पर अपने पिता को मेंढक में बदल देती है और तभी वो चारों बच्चों को देख लेती है और मैकी और फ्लैकी को मशीन में डालकर किसी और जानवर में बदलने ही वाली होती है कि उसके पिता जो कि मेंढक के रूप में अब थे उस स्नो स्पीयर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं जिस पर सिस्टर एनरिकेटा उस मेंढक को रोकने भागती है लेकिन जिप उसे पैर में फंसा कर उसे गिरा देता है और वो स्पीयर बाहर निकल आता है और जैप उसे अपने गुलेल की मदद से तोड़ देता है जिसके टूटते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। गोरिल्ला भी अब डिटेक्टिव में बदल जाता है और सभी बच्चों को उनके माता पिता भी मिल जाते हैं और पैम के पिता भी मेंढक से अब इंसान में बदल जाते हैं जो कि पैम को इन सब गलतियों के लिए माफ करके गले लगा लेते हैं। जिसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में हम जिप और जैप को मैकी और फ्लेकी के पास देखते हैं क्योंकि ये दोनों अब भी मशीन में थे इसीलिए ये अब भी बच्चे ही बने हुए थे। जिप और फ्लेकी को वो कंपास गिफ्ट करता है और कहता है कि ये मेरी माँ को बहुत पसंद है जिससे फ्लेकी उसका इशारा समझ जाती है कि वो ही उसकी माँ है और मुस्कुराते हुए मैकी के साथ उस मशीन से बाहर निकलते ही वो दोनों जिप और जैप के माता पिता में बदल जाते हैं जिन
जिनसे जिप और जैप गले मिलते हैं और कहते हैं कि ये उनका क्रिसमस का आज तक का सबसे बड़ा तोहफा है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।